सभी मित्रों को नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय से आप लोग इस तरह प्रेम कर रहे हैं, इसके कार्यक्रमों को लगातार देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार। मित्रों, आप जानते हैं जनसुलभ पुस्तकालय का एक बेहद चर्चित स्तंभ है रचना प्रक्रिया और रचना पाठ। इसमें देश विदेश के कई लेखक शिरकत कर चुके हैं और अपने रचना प्रक्रिया पर बात कर चुके हैं। साथ में रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए वे अपनी किसी न किसी रचना का पाठ भी करते हैं। इस स्तंभ के तहत आज हमारे साथ भूमिका द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भूमिका द्विवेदी कहानियां और उपन्यास लिख रही हैं और इनकी कई रचनाएं एक के बाद एक आती रही हैं और उनकी चर्चा होती रही है। संस्मरणों में भी ये लगातार कुछ न कुछ अपनी दखल रखती आई हैं। आज मुख्य रूप से भूमिका द्विवेदी अपने रचनाकार की यात्रा में अपने कथाकार के पक्ष को हमारे साथ बांटेंगी और किस तरह की इनकी यात्रा रही उस पर बात करेंगी। अपने रचनाकार की यात्रा के साथ साथ इनकी अपनी रचना प्रक्रिया किस तरह की होती है, किस तरह की प्रेरणा इन्हें मिलती है और इनके लिखने के किस तरह के प्रसंग है, इन सब पर बात होगी। इनके जीवन में नीलाभ अश्क एक महत्वपूर्ण शख्सियत, एक बड़े लेखक, अनुवादक, कवि रहे, उनसे जुड़ी भी कुछ बातें आएंगी कि उनके मार्गदर्शन में इनके रचनाकार ने किस तरह की गति पाई और कैसी इनकी यात्रा रही। भूमिका जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें और अपने रचनाकार की यात्रा और रचना प्रक्रिया पर हमारे मित्रों के साथ अपनी बात साझा करें और इसके बाद मित्रों भूमिका जी अपनी एक कहानी कयास का पाठ भी करेंगे। स्वागत भूमिका जी पुनः। जी सादर नमस्कार, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपके मंच का, आपका, आपके दर्शकों का, आपके सभी प्रेमियों का, सभी साहित्य के प्रेमियों का। मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ आपके मंच पर और मैं आपको बहुत आभार कहती हूँ कि आपने जनसुलभ पुस्तकालय में मुझे भी सुलभ किया कि दर्शकों से मैं रूबरू हो सकूं, मुखातिब हो सकूं और सीधे वार्ता हो सके। तो बहुत आभार आपका और सभी शुक्रिया। पाठकों, आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत आप सबको प्रणाम। बात अगर शुरू करते हैं रचना प्रक्रिया की, तो माहौल इलाहाबाद का कुछ ऐसा है जहाँ रचना प्रक्रिया में हर व्यक्ति जो दूर दराज से भी आ रहा होता है, सरोजनी कौशिक जी, सरोज कौशिक जी, आपको नमस्कार। सभी आप सुनने वालों, सभी दर्शकों को मैं अभिनंदन फिर से कहती हूँ, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इलाहाबाद का जो माहौल है, मैं उसकी बात कर रही थी। महेंद्र रंगा जी, स्वागत जी, प्रणाम, आभार, आभार। तो वहां का माहौल ही कुछ ऐसा है कि मैं हवाओं में, फिजाओं में, मिट्टी में, खाक में, आसमान में, सब तरफ वहां साहित्य बिखरा पड़ा है। वहां हर गली कूचे में साहित्यकारों का मरकज है। वो महादेवी जी हों, वो पंत जी हों, वो इलाहाबाद के पथ पर मैंने उन्हें देखा, महाराज कवि महाराज निराला जी हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिवेश हो, हर एक चप्पे चप्पे, हर एक जर्रे जर्रे में इलाहाबाद के साहित्य रचा बसा घुला हुआ है। संजीव सर नमस्ते। तो जिस माहौल में आपका जन्म होता है, उसका असर आपके व्यक्तित्व पर, आपके कृतित्व पर, आपके जीवन पर बेइंतहा पड़ता है, निस्संदेह पड़ता है। तो कुछ ऐसा असर मुझ पर भी रहा, ये उस हवा मिट्टी, उस पानी की ही दखल है, उसी का ही प्रभाव है। और मेरा घर भी कुछ साहित्यिक मिजाज वाला था। कवि सम्मेलन मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पितामह डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी,
संस्कृत विभाग में प्रोफेसर थे, वो अक्सर करवाया करते थे। मैंने नीरज कवि, महाकवि नीरज को मैंने सुना। मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे कविता का समझ भी नहीं थी कि ये क्या पढ़ रहे हैं, बस ये मैं देख रही थी कि वो इतने प्यार से पढ़ रहे हैं और सब लोग झूम रहे हैं और सब लोग चुप रहना एकदम ये इशारा कर रहे हैं। तो ये साहित्यिक माहौल कुछ हमें बचपन से मिला, ये बहुत बड़ी बात है कि उस धरती ने मुझे अपनी पनाह दी, जन्म दिया। तो सबसे पहले तो कथा प्रक्रिया, रचना प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। अब रचना धर्मिता, इसे मैंने धर्म कैसे बनाया, ये इसमें बहुत ज्यादा हाथ दिल्ली शहर के एकाकीपन का है, निसंदेह। अगर मैं यहाँ अकेली ना होती, अगर 4-7 इलाहाबाद के लोग मुझे यहाँ आते ही मिल गए होते, तो शायद मैं लिख नहीं पाती। बहुत एकाकी, बहुत खाली, बहुत खला जिसे कहते हैं, एक खला सी हो गई थी JNU आकर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो परिसर है, यहाँ आकर एकदम से लग रहा था वीराना है, ये तो मेरा 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 कोई नहीं है यहाँ, यहाँ मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ, तो मेरा कौन है। तो जो ग्रैंडफादर घर वालों ने सिखाया था कि आप अकेली कभी नहीं है अगर कि आपके पास किताबें हैं, तो मैं किताबों में लाइब्रेरी में, JNU की लाइब्रेरी एक है, वो रात भर भी ओपन रहती है, उसमें बहुत देर बैठती थी। ये जो वह साइबर लाइब्रेरी जिसमें केवल विद्यार्थी जो JNU के हैं वही जा सकते हैं, ये बंद हो जाती थी 10 बजे तक, लेकिन पीछे वाली जो लाइब्रेरी है वो पूरी रात खुली रहती थी। तो इन लाइब्रेरीज में मैं बहुत अपना जीवन उस वक्त का एकाकीपन काट रही थी, उसे मैं खोल रही थी धीरे धीरे कि मैं यहाँ एडजस्ट हो सकूं। माहौल बड़ा अलग सा था, JNU का माहौल मेरे इलाहाबाद के पारिवारिक माहौल से बिल्कुल जमीन और आसमान में है। इतना उन्मुक्त माहौल है यहाँ का, इतना फर्क है, इतनी मुख्तलिफ सोसाइटी है ये दोनों, कि आप उसमें सरवाइव करना है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मांझना पड़ेगा, थोड़ा आपको घिसना पड़ेगा, आप कसौटी में घिसे जाएंगे तब आप वहां पर एडजस्ट हो सकेंगे, कुछ ऐसा है। तो मैं एडजस्ट करना बहुत ज्यादा चाह नहीं भी रही थी, लेकिन सोच रही थी भाई अपनी डिग्री तो मुझे लेनी ही है, तो रहना ही है यहाँ। तो इस दौरान मैंने कलम पकड़ी बड़ी कथा के लिहाज से, क्योंकि इलाहाबाद में जो कहानियां लिखी थी वो आधी अधूरी सी थी। आलेख लिखे थे बहुत सारे, गजलें लिखी थी बहुत सारी, कविताएं लिखी थी, लेकिन कहानी आधी अधूरी सी थी। यहाँ जो शुरू किया वो कहानी इतनी लंबी हो गई कि वो उपन्यास बन गया। और कुछ मेरी क्लास की और मेरी रूम पार्टनर्स का भी इसमें हाथ है। अगर रचना प्रक्रिया पर बोलना है तो मुझे ये बात जरूर कहनी चाहिए, ये बात जरूर शेयर करनी चाहिए कि कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो बहुत दुख में थीं। मैं अपनी पूरी रचना प्रक्रिया, अपनी पूरी कथाकार होने की यात्रा में एक बात जरूर कहूंगी, बारंबार मैं कहती आई हूं कि जो तकलीफ है ये चीज मुझे लिखने के लिए प्रमोट करती है। किसी की भी तकलीफ अगर मैं देखती हूँ, अगर वो रियल तकलीफ है, वो आडंबर नहीं है, वो हिपोक्रेसी नहीं है, अगर कोई वास्तव में तकलीफ शुदा इंसान मुझे दिखता है तो मैं उसे जरूर जुड़ने का और उसकी तकलीफ को कागज पर बयान करने की कोशिश एक मर्तबा जरूर जरूर करती हूँ। ये मैंने आलेखों के टाइम इलाहाबाद से भी शुरू किया था और यहाँ आकर ये उपन्यास में निरूपित होने लगा। अब क्या हुआ कि जो मेरी रूम पार्टनर्स हैं, इनमें सब को कोई ना कोई तकलीफ है, किसी का ब्रेकअप हो रखा है, किसी के मार्क्स कम आ गए हैं, किसी को कोई पसंद है वो उसको भाव नहीं दे रहा है, इस तरह से। एक घटनाक्रम तो बहुत ही मजेदार है, आप लोगों को सुनेंगे तो आप लोग को बहुत दिलचस्प लगेगी ये बात, मजेदार बात है ये। एक लड़की आई, उसने बोला मुझे सारे दुख को तो मैं इकट्ठा कर ही रही थी, ये सारे मेरे पास मसाले तो पहले से ही इकट्ठे हो गए थे जिससे मुझे रेसिपी बनानी है, एक उपन्यास की शक्ल देनी है। एक लड़की थी, वो उसकी अभी नई ही नौकरी लगी थी उद्योग भवन में, वो सर्विस करना शुरू किया हुआ था उसने, और ज्योतिरादित्य उस समय उद्योग मंत्री थे, और उस दिन कोई फंक्शन हुआ तो वो उससे मिलकर आई मंत्री जी से। अब वो लौट कर आकर कह रही है इतने अच्छा था, इतना अच्छा था, मैं उससे मिली और मैं इतना उससे बात करना चाह रही थी पर मैंने बात नहीं की, अरे ये है वो है, और बड़ा मतलब बड़े अवसाद में थी वो, बड़े दिनों तक उसको ऐसा इन्फैचुएशन उस आदमी को देखकर हो गया था कि वो सो ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किलों से हमने और मेरी एक दूसरी सहेली, उसने कहा सो जाओ कल मिल लेना जाकर, फिर वो जब उठी तो उसने कहा मैंने उसे ही सपने में देखा। तो मैंने कहा ये सब जो तुम इतना कह रही हो इससे बेहतर है हम लोगों को बताने से अच्छा जाके मंत्री जी को खुद ही बताओ तो बेहतर है, हम लोगों को बताने से क्या लाभ है।
फिर कह रही कैसे बताएंगे, तो हमने कहा अरे भाई जाकर कहना कि हम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको हम ख्वाब में भी देख रहे हैं और भी कोई बात, तो कह रही है अरे वो हमें डांट देगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा, इस टाइप की बातें कह रही है। तो हमने कहा तो तुम नौकरी को दांव पर लगाओ, अगर भाई तुम बहुत प्रेम में डूबी हुई हो तो तुम्हें तो नौकरी पे दांव दांव देना ही पड़ेगा, एक लगाओ अगर तुम्हें चाहिए तो, और अगर तुम्हें ऐसा ही है कि भाई पसंद आया खत्म हो गई, बहुत सारे हम स्क्रीन पर अच्छे लोगों को देखते हैं बहुत पसंद आते हैं, सबसे हम मिलने तो नहीं लगते, हर कोई हमें सुलभ तो नहीं हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ बात मैंने उसे कुछ शेरों में समझाई, कुछ अशार पढ़े उसके सामने कि तुम ये अशार उससे कह सकती हो जाके ये कहो। तो जो बाकी रूम पार्टनर थी और बाकी जेएनयू की मेरी सहेलियां थी वो कही थी तुम इतना अच्छी तरह इसे ये बात समझा रही हो, इससे अच्छा तो ये बात तुम्हें अपने लिए लिखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ये नॉवेल है ना ये डेवलप इसी तरह से होता गया, दिन पर दिन सफे दर सफे जो इसके बढ़े हैं वो हर एक दिन का कोई ना कोई एपिसोड इस तरीके का हो जाता था। कोई है कि वो इतना ज्यादा शराब पीकर लड़की लौट के आ रही है कि अगर मैं 5 बजे पूजा करने वाली, क्योंकि मैं बड़ी सामंतवादी और बड़ी रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आ रही थी, तो अगर मैं 5 बजे आरती कर रही हूँ या सूर्य को जल चढ़ा रही हूँ तो ये लोग डिस्टर्ब हो रहे होते थे उस टाइम मेरी रूम पार्टनर। तो अब इन लोगों का भी चर्चा निकल पड़ा। तो इस तरह करते 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 जो है उपन्यास लिखना शुरू हो गया और उपन्यास कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब मैं नीलाद्री से मिली हूँ 2011 में मैंने जेएनयू में प्रवेश लिया था, 12 तक किसी तरह से मैंने सरवाइव किया, लिखा थोड़ा बहुत, पर 13 में मैं नीलाब जी के जीवन में आई। तो मैं उपन्यास कंप्लीट करीब करीब 450 पन्ने का लेकर आई थी। तो वो देखकर काफी खुश हो रहे थे, बड़े प्रभावित हो रहे थे, कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे परिवार में एक ऐसा सदस्य आया है जो उपन्यास भी संग में लाया है, वो जेवर लाया है अपने साथ अपना पहन के, क्योंकि हीरे की अंगूठी मैंने उस वक्त भी पहनी हुई थी, एक जेवरों का थोड़ा सा शौक था। तो कह रहे थे जो जेवर तो लाया है साथ में वो एक इतनी कीमती चीज लाया है जो उपन्यास लेकर आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे परिवार के लिए। और जबकि मैं इतनी प्रभावित हो रही थी कि बताओ, मतलब नीलाभ साहब जो है मुझे एक कहानी उन्होंने मेरी पढ़ी है और उसके बाद वो मुझे संपर्क कर रहे हैं। काला गुलाब नाम से वो कहानी प्रकाशित हुई थी जिसके बाद मैं नीलाभ जी के जीवन में आई हूँ। तो रचना प्रक्रिया इस प्रकार से ये शुरू हुई है और जितनी बिखरी हुई चीजें थी मेरी ये यहाँ सब एकत्रित और संकलित शक्ल में आने लगी। हाँ, इसमें नीलाद जी का बड़ा भारी सहयोग है क्योंकि उन्होंने मेरी बिखरी हुई सभी चीजों को समेटा। और तो और ये जो मैं 400 पन्ने का करीब उपन्यास लाई थी ये मैं लैटिन वो रोमन में लिखकर लाई थी, ये मुझे हिंदी की टाइपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती थी, प्रैक्टिस नहीं थी, आती थी लेकिन मेरे पास फॉन्ट नहीं थे वो वाले, तो नीलाद जी ने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया। फिर वो देख रहे थे हिंदी में तो इसका अच्छा लिखने का है स्पीड तो ये लिख ले जाएगी, तो इस तरीके से बात शुरू हुई और होती चली गई। अब अगर इंडिविजुअल, और आज भी वही चल रहा है, मैं लोगों को तकलीफों में देखती हूँ, मैं लोगों से जुड़ती हूँ और मुझे जब कोई तकलीफ परेशान करने लगती है तो वो ऑटोमेटिक किताब में आ जाती है, वो उसके लिए प्रयास बस यही करना पड़ता है कि थोड़ा सा लैपटॉप खोल लें और आलस त्याग दें और मैं प्रेम से लिखने लगती हूँ। अब अगर मैं कयास कहानी की बात करूं, ये भी जिस प्रकार से वो उपन्यास जेएनयू के मेरे कमरे में अकेले मेरे अकेलेपन को दूर करने के और उन सारे एपिसोड जो वहां गुजर रहे हैं उनको एक तारतम्य एक तरतीब में लगाने की शक्ल में उपन्यास बना है, उसी तरह कभी ये कयास कहानी का आगाज भी उसी जेएनयू के उसी ताप्ती के मेरे कमरे में हुआ था। मैं बताऊंगी कि ताप्ती के ठीक सामने जेएनयू परिसर में जिनका रोजाना जाना आना होता है वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कभी भी गए हैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग नहीं गए हैं मैं उन्हें बता रही हूँ कि ताप्ती के ठीक सामने एक 24/7 रेस्टोरेंट है और इसके ठीक साइड में दाहिने हाथ में साबरमती हॉस्टल है, छात्रावास है, वहां एक ग्राउंड है छोटा सा और एक ढाबा है। मैं इस ऑब्वियसली जब अपने हॉस्टल से आदमी बाहर निकलेगा तो जो परिवेश है जो सराउंडिंग्स है वही देखेगा,
एक औरत को प्रायः देखती थी कि वो बहुत अकेली सी बैठी हुई है, बहुत उदास सी बैठी हुई है। उदास क्या मतलब, तो उसकी शक्ल देखो तो उसमें कोई भी भाव आते जाते नहीं थे। और बहुत सारी महिलाएं थी अपना काम करके, अगर कि कोई झाड़ू लगाने वाला है तो अपनी झाड़ू किनारे रख के, अगर कोई कागज इधर उधर ले जाने वाली लोग हैं तो अपना सामान किनारे सहेज के बैठ जाया करते थे शांति से, और एक दूसरे से बतियाते थे। उनमें चुहल होती थी, उनमें हंसी ठहाके होते थे, उसमें अपने अपने गवाई भाषा होती थी, तो वो लोग बड़े खोए हुए हो रहते थे। लेकिन ये औरत जो है बिल्कुल अकेली रहती थी। ये कयास कहानी की मैं आपको बातें बता रही हूँ, कहाँ से शुरू हुई है ये। एक औरत दूर बैठी, बड़ी खामोश रहती थी। वो इस गैंग में, इस ग्रुप में कभी जुड़ती नहीं थी। इसको इस गैंग में मैंने कभी नहीं देखा कि वो इसमें शिरकत कर रही हो या उसकी हिस्सेदारी इसमें हो, ऐसा कभी नहीं होता था। वो हमेशा अलग सी बैठी रहती थी, और पता नहीं क्यों उसके चेहरे के जो भाव है वो मुझे बहुत, वो निर्वेद चेहरा जिसे कहते हैं, निर्वेद, ये चेहरा मुझे अट्रैक्ट करता था। और मैं उसके पास थोड़े दिन जाकर बैठना शुरू की कि ये क्यों, और उसके होंठ यूं 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 कुछ करती रहती थी, क्या बोल रही है, इतना अस्पष्ट होता था कि समझ में नहीं आता था। मैं बड़ी नजदीक जाके बैठना शुरू हुई साबरमती हॉस्टल के कंपाउंड में बाहर, और वहीं से मैंने देखा कि वो क्या बोल रही है। तो मैंने देखा कि वो बहुत सारे कयास लगा रही हो, जैसे वो ऐसी बातें कहती थी, जैसे वो ये कह रही है वो आ गया होगा, उसने ये किया होगा, वो ऐसा कह रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, उसने नहा लिया होगा, जैसे वो किसी के बारे में बात कर रही है जो वहां मौजूद नहीं है। तो बहुत मतलब जिज्ञासा और कौतूहल और बढ़ गया कि क्या मामला है, वाई शी सो कंसंट्रेट फॉर समबडी, और हु इज दैट समबडी, ये और जरूरी था जानना। तो बल्कि और जो लड़कियां थी और जो साथ के पढ़ने वाले थे, वो उस पर कभी नहीं टाइम उन्होंने दिया। आते जाते खाने की कोई चीज रख दी, अगर ऐसा किसी ने रखा, वैसे तो जेएनयू में ये कल्चर नहीं है यूं ही भिक्षा देने का, लेकिन ये कल्चर जरूर है कि खाने पीने की कोई चीज हम लोग उसको अक्सर देने की कोशिश करते थे, जिसे वो प्रायः नहीं खाती थी। तो मैं बैठ के उसको बहुत ध्यान से गुन रही थी कि ये क्या बोलती है। तो यही कयास इतने सारे निकल कर आए, तो ये कयास है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, ध्यान से मैं सुनती रही। तो ये कहानी बनी है। तो आज जब इस कहानी से संबंधित कुछ घटनाएं भी मुझे बतानी है, इस कहानी का आगाज कहाँ से हुआ ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अभी मैं कहानी पढ़ूंगी तो आप लोग और समझेंगे कि क्या रहा हुआ होगा, क्या उस औरत के साथ था, क्या मामला था, ये अभी आप समझेंगे। वो एक दलित बिरादरी से बिलोंग करने वाली औरत थी, और बहुत ही स्नेहिल और बहुत ही ममतामयी महिला थी वो। अभी आप सुनिएगा कहानी में, क्योंकि पहले से ही कहानी का डिटेल बता दूंगी तो फिर पढ़ने में और सुनने में उतना नहीं इंटरेस्ट रह जाता है। तो अभी मैं सुनाती हूँ ये कहानी, हर्फ दर हर्फ मैं सुनाती हूँ। उसके पहले ये इस कहानी के संबंधित कुछ घटनाक्रम जो छोटे छोटे से हैं और जो बड़े मजेदार हैं वो मैं जरूर बताऊंगी। ऐसा हुआ कि जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मुझे ये बताना है कि कैसे प्रक्रिया में आगे हुए, कैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, तो उसमें इस कहानी का भी एक हिस्सेदारी है। एक दिन क्या हुआ, अच्छा नीलाब्जी, जब नीलाब्जी के जीवन में मैं आ गई तो बहुत निश्चिंती तो एक हो गई, बहुत सुकून था एक, कि एक ऐसा पढ़ा लिखा शख्स मेरे जीवन में है जो मैं कुछ भी लिखूंगी, मेरी कोई भी समस्या होगी तो वो बहुत बारीकी से सुनकर उसे समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पर कोई अहम वाला प्रॉब्लम नहीं है कि ईगो है और ये है और वो है। ही इज सो जेंटल, ही इज सो कॉम्प्रोमाइजिंग, ही इज एक्सट्रीमली पोलाइट पर्सन, ये कहना है मुझे बहुत। तो क्या हुआ, मैं कई जगह कहानियां इस दौरान भेजने लगी जब आ गई यहाँ इनके घर में। अब एक कहानी के संग ये मसला हुआ, क्योंकि वो कहानी इससे रिलेटेड है और ये एक महत्वपूर्ण घटना है, कथा यात्रा की भी और कहानियों की भी, और इस कहानी से रिलेटेड भी, इसलिए ये बताना जरूरी है। क्या हुआ कि मैं कई जगह कहानी यहाँ पर भेज रही थी। 2013 में भी कई कहानियां प्रकाशित हुई, 2014 में भी बहुत सारी कहानियां प्रकाशित हुई, 2015 की जनवरी में 8 कहानियां एक ही माह में प्रकाशित हुई, जनवरी 2015। मेरे ख्याल से ये 2014 की घटना है जो मैं बता रही हूँ। आगाज हो चुका था, जेएनयू में लिख कर लाई थी, थोड़ी सी जो कंप्लीट होनी थी वो यहाँ आकर एक जिसको कहते हैं फाइन कर देना, एक फिनिशिंग कर देना, तो फिनिशिंग यहाँ आकर कर ली। अब मैंने दो तीन जगह इसको भेजा कि
देखें क्या है, कौन पसंद करता है, कौन प्रकाशित करता है, क्या होता है, देखते हैं। तो इसके साथ एक कहानी और थी, दंगों पर लिखी थी मैंने वो कहानी मुस्लिम परिवार की कहानी थी, जारुन की और उसकी खातून थी उनकी महबूब, ये एक दंगों पर कहानी थी, इसका नाम था मायूस परिंदे। ठीक है, इससे जुड़ी हुई ही है वो एपिसोड, ये कहानी मैंने कई जगह भेज दी। इसी बीच पहल से एक बात आई कि कोई कहानी मुझे उन्हें भेजनी है, तो उन्हें जो मैंने भेजी वो सतरंगी धोती कहानी थी। वो कहानी जो है ज्ञान रंजन सर को बहुत पसंद नहीं आई क्योंकि वो बहुत घरेलू कहानी थी। मुझे घरेलू कहानी पसंद नहीं थी, लेकिन चूंकि ये कहानी जब लिखी थी तो एक आध जिसे पढ़ाया उसे काफी अच्छी लगी, बहुत मार्मिक कहानी थी, तो ये सोचकर मैंने भेजी उन्हें, तो वो कहानी ज्ञान रंजन सर को बहुत पसंद नहीं आई। एक कहानी ये जो दंगों वाली थी मायूस परिंदे, तो मैंने फोन में बल्कि कहा ज्ञान रंजन सर से कि सर आपको ये कहानी पसंद नहीं आई, तो ज्ञान रंजन जी ने कहा नहीं भूमिका तुम अभी और लिख लो, जब तुम्हारी और कोई कहानी अच्छी आएगी मैं उसे लगाऊंगा पहल में, ये थोड़ी घरेलू कहानी है ये हम नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं सर मैंने तो और भी कहानी लिख रखी है, अगर आपको एक पसंद नहीं आएगी तो मैं नहीं आई है तो मैं दो भेजती हूँ, अगर आपने दो पसंद नहीं की तो मैं चार भेजूंगी, चार पसंद नहीं आई तो मैं आठ भेजूंगी, मेरे पास कहानियां हैं, मैं कंटिन्यू लिखती रहती हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी तो कोई है नहीं ऐसे कि बहुत सारे यहाँ ननदे हैं और बहुत सारे देवर हैं और जेठ है, नई नई शादी के बाद जितना व्यस्तता एकदम से हो जाती है कि बहुत मसरूफियात एकदम से बढ़ गई, ये सारी तो यहाँ है नहीं, रचनाशीलता ही जितनी चाहो विस्तार दे दो उसे, तो ये यहाँ मेरे पास स्वतंत्रता है, तो मैंने कहानी बहुत सारी लिख रखी है मैं आपको कोई और दे दूंगी। उन्हें मैंने भेज दी एक मायूस परिंदे और एक कोई और कहानी भेज दी। अब इत्तेफाक है ये कि मायूस परिंदे वो जो दंगों वाली कहानी थी वो मैं यहाँ दो तीन जगह और भेज रखा हुआ था मैंने। ठीक है, ये इस कहानी से जुड़ी ही घटना है इसलिए मुझे बताना है, वरना इसे स्किप किया जा सकता था, मैं नहीं बताना पसंद करती, कहानी भी पढ़नी है अभी। उधर से ज्ञान रंजन जी का फोन आया कि तुम्हारी ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, इसे तुम कहीं और मत भेजना और ये कहानी मैं रखूंगा और पहल में ये आएगी, 99 पहल का एपिसोड है, अंक है उसमें ये प्रकाशित करूंगा और सब्र रखना, टाइम चाहे जितना लगे, ये कहानी मुझे पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है कह तो दिया, और मैं इतना अंदर से डर गई उस दिन, इतना ज्यादा, मैं आपसे ही बता रही हूँ, मैं इतनी खौफ में उस दिन हो गई थी कि ये जो दो जगह मैं उसको पहले से ही भेज रखी और दोनों ने कह दिया था ये कहानी हम लगा रहे हैं, अब आप समझिए मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी, क्योंकि मैं एकदम नई लड़की हूँ आज भी मैं, मेरे भले ही 14 किताबें हों, भले ही मैं 8 उपन्यास हो गए हूँ, लेकिन बिल्कुल नई हूँ मैं बिल्कुल सीख रही हूँ और बिल्कुल सीखने की ही कोशिश में हूँ, यही प्रोसेस में हूँ। तो क्या हुआ कि अब ये कहने में मेरी एकदम हिम्मत ही बोल गई कि मैं इन दो प्रकाशकों, इन दो संपादकों से नीचे बोलूं, एक को भेजा था वर्तमान साहित्य में, एक ये परिकथा, इन दोनों से मैं कह दूं कि सुनिए आप मेरी कहानी मत लीजिए, वो पहल में आनी है, ये कहने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है और मैं उदास होकर यहाँ आकर बैठी हूँ। इसी यही कमरा था, नीलाभ यही बैठ के लिखा करते थे, तो और नीलाभ की क्या खासियत है सबसे बड़ी कि वो चेहरा ही पढ़ लेंगे, वो एक माथे पर लकीर भी हो तो वो समझ जाएंगे कि कोई बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कह रहे ऐसे बोलते हैं कोई कांड करके आई है तभी ये इतना टेंशन में बैठी हुई है, इसके चेहरे में तनाव है, इसके माथे में जो लकीरें हैं वो बता रही है कोई मामला पेचीदा है, बताओ बताओ मेरी जान क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से आसान सरल कर रहे हैं चीजें कि भाई खुल जाए बताए। तो मैंने बताई अपनी समस्या, हमने कहा ज्ञान रंजन जी का फोन आया था, उन्हें ये कहानी पसंद है और मैं इन दोनों को भी देकर बैठी हूँ, अगर मैं इन लोगों से ये कहूंगी तो कहेंगे कल की लड़की अभी कहानी लिखना सीख, अभी तो कलम पकड़ना सीख रही है और अभी से ये कह रही है कि नहीं आप मत इसे प्रकाशित कीजिए, ये दूसरी जगह पास हो गई है। हमने कहा नीला मैं तो बिल्कुल धर्म संकट में पड़ गई हूँ, मैं क्या करूं बताइए। तब उन्होंने कहा उस टक्कर की दूसरी कहानी कौन सी है, तो फिर मैंने खोल के दो तीन बताई, मैंने कहा कयास है, तो बोलते हैं ठीक है। तो हमने कहा कि कैसे कहूं बताओ, मैं कह देता हूँ तुम परेशान मत हो।
फिर उन्होंने बहुत 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 अच्छी तरह परी कथा वालों से भी और वर्तमान साहित्य वालों दोनों से कहा कि भाई वो बहुत डरी हुई सामने बैठी है, खाना ही उसके हलक से नहीं उतर रहा है और वो बहुत डरी सहमी सी बैठी है, तो उसने मेरे ऊपर ये दारोमदार अपना धर्म संकट उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया है कि आप इस समस्या का निदान कीजिए, निराकरण आप ही कीजिए, तो आपसे ये गुजारिश है। तो परिकथा वाले ने कहा इनकी एक कहानी मेरे पास पहले से ही है और मैं खुद पशुपेश में पढ़ा था कि केसर कस्तूरी लगाऊं अब की बार अंक में कि मायूस परिंदे लगाऊं, मैं वो ले ले रहा हूँ। और उधर वर्तमान साहित्य में बोले कि कयास बहुत अच्छी है, मुझे कयास चाहिए, ठीक है दंगों की कहानी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वर्तमान साहित्य के जो संपादक थे वो पुलिस विभाग में रह चुके थे पहले, तो कह रहे हैं दंगों की कहानी मैं पसंद बहुत करता हूँ लेकिन हर वक्त इसी माहौल में रहे ये जरूरी नहीं है, और उस कहानी में जो है पुलिस का दुर्व्यवहार बहुत दिखाया गया है, कयास मुझे बहुत पसंद है, मैं कयास ले ले रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और भाई मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ कम हुआ, तो बहुत उस दिन रिलैक्स हुए। तो नीला जी इस समय बहुत मतलब मेरे लिए रामबाण सिद्ध हुए, क्योंकि हम इतना उदास और इतना टेंशन में रहे थे, वाकई हलक से खाना मेरे उतर नहीं रहा था, एक निवाला उतर नहीं रहा था। तो ये कहानी कयास वो है। फिर इस कहानी को पढ़कर जो इससे संबंधित घटना अगर आई तो तुना जी ने कॉल किया बहुत 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 बहुत, बहुत द्रवित आवाज में, द्रवित आवाज कही जाएगी, कह रहे हैं कि तुम्हारी ज्यादातर कहानी जो है वो डायलॉग से शुरू होती है, तुम्हारी ज्यादातर कहानी बड़े ही उससे शुरू होती है, आतंक होता है कई कहानी में एकदम जकड़ वाली और पकड़ के ले जाती है कहाँ तक, बहुत बातें बता देते, लेकिन ये कहानी तुम्हारी ऐसी है जहाँ तुमने भूमिका भी लिखी है थोड़ी सी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी भूमिका, एंड आई अप्रिशिएट, और बहुत प्यार से दूता जी तो हर कहानी पढ़कर लगभग काफी काफी बातें बताया करते थे, तो इस कहानी पर भी उन्होंने काफी लंबी लंबी बातें की, तो दूधनाथ जी को भी ये कहानी पसंद आई, वर्तमान साहित्य में भी ये कहानी काफी पसंद की गई, और भी जो पाठकों, फिर ये गार्ड जब जब हमारे पहुंची जेएनयू, जब ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिवेश में पहुंची तो वहां के गार्ड्स, वहां के जमादार, वहां के फोर्थ क्लास बहुत सारे वर्कर ये कहते हैं आप हम पर भी लिखती हैं, आप हम पर भी लिखती हैं, जो यहाँ के लोग होते हैं वो तो साहबों पर लिखते हैं, वो तो विदेश यात्राओं पर लिखते हैं, वो तो अपनी लेक्चरशिप अपने अचीवमेंट्स पर लिखते हैं, आप हम पर भी लिखती हैं। तो मैंने कहा क्या बोली मैं, लिखा तो था ही, मैंने कहा हाँ कोशिश करते हैं, तुम लोग ने पढ़ा तो बहुत मतलब वो लोग खुश हुए। फिर वो औरत शायद नहीं बची थी उस पर, क्योंकि वो वैसे ही काफी बुजुर्ग थी जब मैंने उसे उठाया था एक पात्र की तरह। तो ये है सारा कयास का बैकग्राउंड। अब मैं कहानी पढ़ती हूँ, टाइम काफी हो गया है, फिर हम और बातें करेंगे, सवाल भी लेंगे, कोई अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, मैं अब कहानी पढ़ने जा रही हूँ, इजाजत अगर हो आप सबकी। देखिए कयास कहानी का यह है कि संग्रह में ये कौन से आई, अभी हाल ही में एक पितृपक्ष और अन्य कहानियां आई है, अभी पितृपक्ष में ही वो रिलीज हुआ है पिछले साल, ये कहानी उसमें भी रखी गई थी क्योंकि ये इतना पसंद किया था लोगों ने, और ये सबसे पहले बोहनी कहानी संग्रह जो मेरा आया था, पहला संग्रह, पहली किताब थी, मैंने जैसा कि कहा मैं तो बिल्कुल न्यू कमर हूँ और मैं बिल्कुल सीखने का ही प्रयास कर रही हूँ, किताबों की संख्या ये निर्धारित नहीं करती कि आप कितने सीनियर हो गए हैं, कि आप कुछ हो गए हैं, बिल्कुल मैं सीखने की ही स्टेज में हूँ। तो उस सीखने की जो मेरी पहली किताब थी जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने अनुशंसित भी किया था, ये उस संग्रह में भी थी। तो मैं कहानी अब आपको सुनाने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग भी पसंद करेंगे, मुलाहिजा फरमाए। कयास। रामदई शहर के किनारे बसे हुए उस इलाके में रहा करती थी जिसे लोग बाग पसियाना कहते थे। इस इलाके में ज्यादातर मकान कच्चे थे, कुछ एक ही पक्के घर थे जिस पर इलाके के आसपास के प्रभावशाली लोगों की इनायतें यदा कदा बरसती थी। सकरी गलियों से बने इस इलाके में बिजली, पानी, पक्की सड़कें, शौचालय जैसी तमाम बेसिक दिक्कतों के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सरासर अभाव था। शहर के सभ्य कहे जाने वाले घरों के लोग इस इलाके और इनकी गलियों में झांकना भी गवारा नहीं करते थे। लिहाजा यहाँ के लोगों ने बड़े लोगों से अलहदा अपना अलग एक समाज बना रखा था। ये पहला पैराग्राफ इसका खत्म हुआ है, मुझे एक बात ध्यान आ गई मैं बता दूं, दूधना सर ने यह भी कहा था कि इस चीज को तुमने अच्छी तरह कहा है, इसमें एक बात बस है
कि जो दलित वर्ग होता है, जो सोसाइटी जिसे जब हम लोग बांट रहे होते हैं तो एक एलीट क्लास बांटते हैं, एक स्लम एरिया बांटते हैं, तो स्लम एरिया और एलीट क्लास में बहुत सारी समानताएं एग्जैक्टली होती हैं, जैसे वही उसी का डिस्क्रिप्शन है। देखिए दूदा जी ने ये बात बहुत ध्यान से देखी थी और भी कुछ संपादकों ने देखी थी, आप लोग भी देखें, बस पॉइंट आउट करना था, आप देखें। पसियाने के लोगों द्वारा निर्मित विशिष्ट मलिन समाज की तमाम सारी खूबियां उसी शहर के सबसे संभ्रांत और कुलीन कहे जाने वाले समाज से एकदम मिलती जुलती थी। मसलन देर रात तक दारू का दौर चलना, दुनिया भर की अंट शंट बातें करना, हर एक शख्स का खुद को दूसरे के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बातों और दलीलों का गाली गलौज तक बड़ी आसानी से पहुंच जाना, परस्पर इल्जामात लगाना, एक दूसरे की इज्जत शोहरत पर बड़ी आसानी और बड़ी बेबाकी से कीचड़ उछालना, एक दूसरे की उपलब्धियों को हमेशा हमेशा कमतर आंकना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस तरह की मजबूत समानताओं में दोनों वर्गों की उपलब्धियों के मुद्दे अलग अलग हो सकते थे। जहां मलिन बस्ती वालों की उपलब्धि ज्यादा से ज्यादा पक्की चार दीवारी बना लेना, आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार से कुछ ना कुछ रकम नोच लेना या मृतक आश्रित कोटे से सरकारी जमादार बनना था, वहीं कुलीन बस्ती वालों के लिए भाई नई फैक्ट्री डाल लेना, कुछ लंबी विदेश यात्राएं कर लेना, ऐसा होता था। इन मंडली एकाद बड़े सम्मान झटक लेना, इन मंडली वालों के लिए ग्रीन कार्ड की उपलब्धि भी कमतर नहीं हुआ करती थी। हमारे मुल्क की लचर सियासी जमीन में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या वित्तीय सांस्कृतिक विधि सलाहकार का पद हथिया लेना भी इन तमाम जुगाड़ों में शामिल था, अनिवार्यतः शामिल था। शराब के नशे में धुत मलिन तबका सरकार की हरिजन उद्धार योजनाओं की भलाई बुराई करता था या बिरादरी में उन योजनाओं से लाभान्वित शख्स को पक्का हरामी है साला डैश 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 कई गालियां हैं कहता, और कुलीन सभ्य समाज वाले प्रधानमंत्री की विदेश नीति को या पारित हुए किसी नए विधेयक को धुआंधार तरीके से कोसते, यानी दोनों का कोसना भी एक ही तरीके से है। भाषा शैली शिल्प संवाद मलिन समाज से कुलीन समाज की जुदा हो सकती थी, अपनी बातों को रखने का तरीका भी भिन्न हो सकता था, लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पर ये समानताएं पूरी तरह से एक जैसी थी। दोनों ही बड़े निर्भीक थे, एक इसलिए कि वो शासन तंत्र पर मजबूत पकड़ रखता था, दूसरा इसलिए कि उसे ना आगे का सोचना था और ना पीछे का। चार्वाक सिद्धांत का पक्का अनुयायी यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीत्वा ऋणम कृत्वेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। तो इसलिए वो भी भयमुक्त था क्योंकि वो अपने हाड़ के बल पर रोटी कमा खा रहा था और उसके पास खोने के लिए ज्यादा तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तक कि इज्जत भी नहीं। ये दोनों ही समाज मिडिल क्लास कहे जाने वाले तबके को बहुत दूर तक अपने कब्जे में रखने की कुवत रखता था। पहला अपनी पहुंच बौद्धिकता और ऊंची शिक्षा दीक्षा के चलते, दूसरा अपने रोजमर्रा के काम काज के बूते, जिसके चलते कुलीन तबका तो पूरा का पूरा इन पर आश्रित था। दूसरा तबका अपनी नंगई के बूते भी मिडिल क्लास को अपने चंगुल में फंसाए रखता था, जकड़ के रखता था। दोनों ही बेशक बेशक धर्म भीरु नहीं थे क्योंकि दोनों कर्म प्रधान तबके थे। इन दोनों में गहरी संवेदनाओं और भाव विवलता का प्रचुर मात्रा में अभाव भी था। दोनों के कलुषित दिमागों में कुटिल भाव भंगिमाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। उस शहर की दो अलग अलग धुरी पर खड़े इन दोनों ही समाजों में एक और बात भी जबरदस्त तरीके से एक सी थी, वो ये कि ज्यादातर शादीशुदा महिला और पुरुष दोनों ही अपने ही खुद के पति पत्नी के किसी एक सीमित दर्जे तक खुश नहीं थे। करीब करीब वे सारे ही अपनी शादी के सिवा दूसरे ताल्लुकात में बुरी तरह उलझे हुए थे। इन दोनों ही समाजों में हो रहे शहर के चर्चित अपराध और जाने माने कत्ल भी कई बार इन्हीं अवैध संबंधों के कारण अंजाम दिए जाते थे। इन दोनों ही समाजों में कई सारे घरों में पल रहे बच्चे भी बहुत संभव है उस बाप के न हो जिसे उस बच्चे का नाम मिला हुआ हो। मतलब कि इस तरह
दो विपरीत ध्रुवों सिरों छोरों पर बसे दोनों ही समाजों में नाजायज संतान बहुतायत ही मौजूद थी। रामदई इसी मलिन समाज और दूषित बस्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसकी रहनवारी अभी पक्के मकान तक नहीं पहुंची थी। रामदई के पूरे खानदान ने बड़े लोगन का घर का मैला साफ करके अपना और अपने कुनबे का पेट पाला था। जब तक जीता रहा रामदई का पति भी वही काम किया करता था और उसने भी कई बच्चे पैदा किए, लेकिन दुर्भाग्य से उन सारे बच्चों में से कोई भी एक नहीं बचा। कोई महामारी का शिकार होकर मरा तो कोई इलाज के लिए पैसे ना होने की वजह से, किसी को समय पर सही खुराक नहीं मिली तो कोई भुखमरी से बच ना सका, तो कोई जहरीली शराब की ढंग की खुराक पीकर चलता बना, कोई पतंग के पीछे दौड़ते हुए नंगे बिजली के तारों से चिपक के मरा तो किसी को पुलिस चोरी के इल्जाम में उठा ले गई और लॉकअप में जुर्म कबुलवाने के लिए इतना पीटा कि उसने दुनिया ही छोड़ दी। इतने बड़े बड़े दुख झेल कर रामदई के पति के पास अब जीने का ना तो इच्छा, जीने की ना तो कोई हसरत बची थी ना ही तनिक हिम्मत। रामदई को गर्भवती छोड़कर वो एक दिन चल बसा। रामदई के बिरादरी वाले कहते थे ये आखिरी बच्चा रामदई के पति का तो है ही नहीं। रामदई के पति को सर्किट हाउस के सारे बाथरूम का साफ करने का और उसके सामने की रोड का, जहां तक कारें खड़ी होती हैं, वहां तक कूड़ा उठाने का काम मिला हुआ था। इस तरह पेशे से वो एक सरकारी जमादार थी। रामदई के लिए सर्किट हाउस का माहौल अपरिचित नहीं था। वो यहाँ कभी कभार अपने पति का खाना पहुंचाने आया करती थी। उसका भूले भटके रात बेरात भी इधर का दौरा हो जाया करता था जब कल्लू जमादार बखत पर घर नहीं पहुंचता था। और यही पीछे अंधेरे में कहीं साहब लोगन की छोड़ी हुई महंगी विलायती खराब शराब पीकर वो लुढ़का होता था। विलायती शराब पीकर, नॉट खराब। सर्किट हाउस में ठहरने वाले ही किसी अफसर या नेता के बच्चे के जन्म का इंतजार रामदई का पति बड़े जतन से कर रहा था, लेकिन कल्लू जमादार उसे अपनी गोद में खिला नहीं सका। अचानक हुई रामदई के पति की मौत की वजह से उसकी बेवा को एक पक्का मकान और लड़कियन के सरकारी स्कूल में झाड़ू मारने का काम मिल गया था। ऊपर वाले की कृपा और किसी खास के प्रयासों के चलते रामदई को एक बेटा भी मिल गया। ये बेटा रामदई की अंधेरी बढ़ोती का अकेला चिराग था। ये बच्चा रामदई के पति की किस्मत का सितारा तो हरगिज नहीं बना। उसके तो सभी बच्चे बड़ी बदहाली, बड़ी बर्बादी और तबाही के जीते जागते शिकार बने थे, लेकिन इस बच्चे के जन्म ने रामदई की तकदीर वाकई बदल दी थी। वरना तो वो पसियाने की सभी औरतों की तरह भुखमरी और तंगी में बच्चा जन जन कर एक दिन खुदा को प्यारी हो जाती। भले ही उसका बड़ा सा लाल टीका और पूरी मांग का नारंगी मोतिया सिंदूर मिट गया था, भले ही रामदई के हाथों से कोहनी तक की भरी भरी कलाई से चूड़ियां उतर चुकी थी और रंग बिरंगी नायलॉन की साड़ियों की जगह बेरंग सूती सफेद धोतियों ने ले ली थी, फिर भी रामदई के चेहरे पर एक झलझल चमक ने अपना ठौर जमा रखा था, जिसकी मूल वजह अब तो सिर्फ उसका चांद जैसा लाल था जो उसके अल्लाह को प्यारे हुए सारे बच्चों में सबसे हसीन और बांका था। इस लड़के का नाक नक्श ही कल्लू जमादार जैसा बिल्कुल नहीं था। इसी चंदा को हंसते खिलखिलाते बढ़ते देखकर वो अपने गुजरे हुए भीषण सदमों को एक एक कर पीछे ढकेलती गई। जब रामदई के रिटायर होने में महज 2 बरस बाकी रह गया था, उस वक्त रामदई के पास एक पक्का मकान, जमादारनी की एक सरकारी पक्की नौकरी और उसका खिलखिलाता लाडला चंदन, यही उसकी जिंदगी का कुल जमा हासिल था। वो इससे बड़ी खुश और संतुष्ट थी। उसके पास गर्व, अभिमान, ममता जैसे मूलभूत इंसानी गुण भी मिडिल क्लास से निकलकर छन छन कर चले आए थे। रामदई रोज की तरह सवेरे उठकर अपने स्कूल जाने के लिए अपनी धोती बांधने लगी। चंदन हमेशा की तरह सो रहा था। रामदई बड़े लाड़ से अपने प्यारे को चैन से सोता देखती रही, पल भर बैठी।
रामदई उसके मुतमइन चेहरे पर से गुजरते कई चेहरों को देखती गई। सिब्बू, रवि, सोनू, सन्नी, पूजा, आशा, श्यामू, सबका चेहरा। सारे गुजरे हुए बच्चे एक साथ रामदई को दिखाई देते गए, लेकिन चंदन कुछ अलग था। सुंदर सलोना, हीरे की कनी जैसा गोरा दमकता हुआ उसका चंदन। रामदई ने सोते हुए चंदन के माथे के किनारे काजल का एक टीका लगा दिया। अपने बिछड़े हुए सारे रिश्तों का प्यार भी रामदई ने एक साथ चंदन पर ही उड़ेल दिया था। चंदन को रामदई पर इतने से कहीं ज्यादा दुलार था जितना शायद एक आम माँ को अपनी इकलौती औलाद से आमतौर पर हुआ करता हो। रामदई ने दोबारा उसका माथा चूमा और घर की देहरी पार करके स्कूल के जानिब निकल पड़ी। स्कूल में झाड़ू बुहारू के बाद खाने की छुट्टी के दौरान स्कूल के फाटक के पास वहां की दाइयों, चौकीदारों, मालियों से थोड़ी बातें करने लगी। अपना हाल सुनाती, कुछ उनके दुखड़े सुनती और स्कूल के मैदान में उछलती कूदती खेलती तरह तरह के झूला झूलती लड़कियों को खूब मन भर निहारती। आखिर उसके मरे हुए बच्चों में दो प्यारी बेटियां भी तो थी। रामदई को जब चंदन का चेहरा याद आता तो वो इस शोरगुल में, इस धमा चौकड़ी में भी बेहद सुकून से भरी एक शांत और राहत देने वाली ठंडी बयार महसूस करने लग जाती। रामदई को बैठे बैठे ध्यान आया, मेरा लाडला, मेरा चंदन सोकर उठ गया होगा, तरकारी रोटी बनाकर रख आई हूं, उसके पसंद का चने का साग बनाया था। भला हो माली भैया का, कितना ताजा साग लाया था मेरे लाल के वास्ते। शायद अब तक मेरा चंदन खाने भी लगा होगा, साग रोटी बहुत पसंद है उसे। दो लड्डू भी बचा के डिब्बे में रख आई थी उसके लिए, न जाने उसने देखा भी होगा कि नहीं, न जाने मुंह हाथ धोए भी होंगे या यूं ही बैठ गया होगा सीधा पसंद का खाना खाने। हर बात पर डांट लगानी पड़ती है, बिगड़ रहा है अब वो, बिना बताए निकल जाता है कहीं भी मोहल्ले के उचक्कों के संग। 100 बार कहा है मैंने, नदी पोखर में तैरने न जाया कर, घर में ही मन लगाया कर, लेकिन नहीं, घर में उसका पैर टिके तब ना, मेरी कोई बात नहीं मानता। अब अगर इसके बाप जिंदा होते तो, ये सोचते ही वो गहरी सोच में चली गई। फिर उसने अपना मन झकझोरा, उसने फिर सोचना शुरू किया। सांप, गोजर, बिच्छू, कितने कीड़े मकोड़े निकल आते हैं बरसात में, पानी भी बढ़ जाता है, मैं कैसे रोकूं, कैसे बेड़िया डालूं, मेरा जी घबराता है। हर वक्त अब तो इस स्कूल से आजाद होकर चैन आएगा मुझे, तब दिन रात चौकसी कर सकूंगी मैं अपने लाल की। यही सब सोचते विचारते खाने की छुट्टी खत्म होने की घंटी बज गई। रामदई उठकर लड़कियों का फैलाया कूड़ा बटोरने चली। उसने झाड़ू उठाया ही था कि न जाने कैसी चीत्कार जैसी पीड़ा उसने अपने दिल के भीतर महसूस की। अचानक कौन सा बहुत तेज तकलीफ देने वाला धक्का उसके दिल पर लगा, वो समझ नहीं पाई, वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उस पर ये अचानक एकाएक क्या गुजर गया, बिजली गिरने या फिर बिजली के कड़कने जैसा ये कौन सा एहसास था जो पल भर के लिए उसने महसूस किया। ये क्या बला थी, ये क्या धमाका था, ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ, ऐसी बेचैनी, ऐसा ज्वार उसने पहले कभी सहन नहीं किया था, लेकिन एक बार की ये उभरती तीव्र परेशानी उसने पहले कभी नहीं झेली थी। वो अपनी छाती पकड़े कुछ देर बैठी रह गई। स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अपने अपने क्लास में जा चुकी थी, पानी पीने वाले नल की कतार खाली हो चुकी थी। वहां लड़कियों के अचार, सब्जी, पूरी, पराठे के टुकड़े, आइसक्रीम की डंडियां, चूरन के कागज, इमली, कैथा, अमरक के ढेर सारे छिलके और बीज फैले पड़े थे। रामदई खुद को बड़ी मुश्किलों से संभालती नल तक आई। उसने पानी के कुछ घूंट हलक से ढंगाए, फिर झाड़ू संभाली। उसके प्राणों के प्यारे बेटे चंदन का एक दोस्त अभी अभी हांफता हुआ उसके पास आया। वो इतनी तेजी से अपनी साइकिल फेंक कर रामदई के नजदीक पहुंचा कि ना तो वो ढंग से सांस ले पा रहा था और ना वो कुछ बोल पा रहा था। चाची, चाची, वो चंदन, चाची, रामदई को खबर दी गई कि उसका ये आखिरी बेटा चंदन दोस्तों के संग नदी तैरने गया था। बरसात के कारण नदी का पानी उस पर हावी हो गया
और वो डूब गया। रामधेय ने जब ये खबर सुनी तो मालूम नहीं ये खबर उसने सुनी भी कि नहीं, वो कुछ नहीं बोली, ना एक बूंद आंसू गिरा उसकी आंख से, ना वो रोई और ना वो हंसी, उसके हर तरफ एकदम सन्नाटा पसर गया। चंदन की मिट्टी उसके आगे रखी गई, अर्थी उसके सामने सजाई गई, कफन से उसके लाडले चंदन का मुंह उसकी आंखों के सामने ढका गया, मैयत उसकी नजरों के आगे उठा दी गई, पसियाने की सारी औरतें चीख चीख कर रोई, उसके कंधे पर सिर पटक पटक कर दहाड़ मार रही थी, लेकिन रामदेई चुपचाप बैठी सारा मंजर देख रही थी। वो खामोश बैठी सबको चीखते चिल्लाते दहाड़ते बिलखते देखती रही, गोया वो लोग किसी गैर के लिए मातम मना रहे हों, कोई होगा उसे। वो अजीब निगाहों से सबको समझने की कोशिश कर रही थी, उसकी निगाह में सवाल थे, कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे वास्तव में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्थी गुजरने पर पीछे से पानी डालना, औरतों का सिर धोना, उसके मोहल्लों की औरतों, उसके मोहल्ले की औरतों का खुद रामदेई को सिर धोकर नहलाना, सारे कपड़े धोकर निचोड़ना, पता नहीं क्यों एक अजीब अनहोनी दास्तान जैसा दिखाई दे रहा था। वो किसी से कोई प्रतिरोध भी नहीं कर रही थी, लेकिन ये सारी गतिविधियां उसे किसी खेल तमाशे से कम नहीं लग रही थी। वो सब कुछ बड़ी अजीबो गरीब नजरों से देख रही थी, उसे तो हर एक शख्स अजनबी दिखाई दे रहा था। उसे पहचानता पहचानने वाला सिर्फ एक चेहरा था, चंदन का मुखड़ा। वो इतने सारे अलग अलग औरत मर्द बच्चे बूढ़े रोते गाते लोगों में केवल एक चंदन का ही नादान चेहरा खोज रही थी। वो हर एक चेहरे को गौर से देखती और देखती कि तो अजनबी है, चंदन नहीं है, वो फिर उसे खोजने लगती। धीरे धीरे दिन ढल गया, पहले जैसा सन्नाटा फैला था अब तो रामदेई का वो पक्का मकान उसे और भयानक दिखाई देने लगा, बहुत वीरान, कोई शमशान जैसी जगह में तब्दील हो गया था वो पक्का मकान। तकरीबन सभी पुरुष अर्थी के साथ पहले ही निकल चुके थे, जो कुछ एक लौट कर आए वो अपने अपने झोपड़े में रवाना हो गए। कई सारी औरतें अभी भी रामदेई के मुर्दा चेहरे को देखती उसके करीब बैठी रही। रामदेई के होश न जाने कहाँ थे, उसके हवास पर न जाने कौन सा फितूर, कौन सी बात, कौन सा नशा हावी था जो ना उसे रोने दे रहा था, ना एक लफ्ज बोलने दे रहा था, ना ही उसके दिल उसकी जबान को खुलने ही दे पा रहा था। रात ढलते ही रामदेई ने कयास लगाने शुरू कर दिए, कहाँ रह गया मेरा चंदन, मेरा लाल अभी तक आया ही नहीं, कहीं नंदू के घर ना बैठा हो, टीवी ना देख रहा हो, कितनी बार कहा है बिना बताए न जाया कर, सुनता ही नहीं है, इसका बाप जिंदा होता तो खबर लेता इसकी, मेरी तो ये एक बात नहीं सुनता, मेरा दुलारा बेटा शायद देर से आएगा, मैं अपने बच्चे को अब कहीं जाने नहीं दूंगी, बस आता ही होगा मेरा लाल, अब तो टाइम हो गया है, वक्त हो गया है उसके लौटने का। सवेरा हुआ, आधी जागी और आधी सोई हुई बदहवास रामदेई अपने खाट के पाए पर सिर टिकाए पूरी रात चंदन की बात जोती रही। उसे उम्मीद थी कि चंदन अभी आता ही होगा, जैसा कि वो कह रही थी बार बार, आता ही होगा मेरा चंदन, मेरा लाल आता ही होगा, वक्त हो गया है उसके लौटने का। बहुत अनमनी सी वो खाट पकड़ के उठी और उसने कयास लगाने का सिलसिला फिर से रवा हो चला। चंदन, मेरा लाल, मेरा हीरा, मेरा मोती सो रहा होगा अभी, उजाला हो गया है, उसके लिए मैं कुछ बना देती हूँ, जब जागेगा साग रोटी खिलाऊंगी, चने का साग बनाऊंगी उसके लिए, वही माली काका वाला साग, ताजा, बहुत पसंद है उसे, अरे मैंने तो लड्डू भी सहेज रखे हैं डिब्बे में, न जाने उसे मिल भी सकेंगे या नहीं, जाग जाए तो खुद खिलाऊंगी अपने हाथों से, बस आता ही होगा, यही कहीं निकला होगा दोस्तों के संग, क्या पता सो रहा हो, अरे अब वो देर से उठने लगा है, अभी आता ही होगा, यही कहीं होगा, शैतान कहीं का, आने दो फिर बताती हूँ, इस बार नहीं छोड़ूंगी मैं,
क्या पता पतंग लेने निकल गया हो, मंझा लटाई सद्दी सबका पैसा दूंगी, लेकिन दोस्त के लिए भी खरीदने को बोलेगा। अरे हाँ हाँ दिला दूंगी, दोस्त के लिए भी दिला दूंगी, बरसात तेज है उधर न जाना, इधर उधर शरारत करता होगा, आता ही होगा मेरा लाल, बस आता ही होगा मेरा चंदन। यही गुनते गुनते रामदई का पूरा अगला दिन गुजर गया। अड़ोसी पड़ोसी औरतों ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसके मुंह में कुछ निवाले डाले। रामदई उन औरतों को भी बड़ी तल्लीनता से समझाने लगी, मेरा चंदन आ जाएगा, अभी जल्द ही आ जाएगा, बस वो आया कि मैंने दूध गर्म करने को चढ़ाया, शायद मामा के यहाँ चला गया होगा, उसकी मामी खीर जो पकाती है मेरे चंदना के लिए। अरे मामा मामी का बड़ा प्यारा है वो, बस केवल उसकी सुनेगा मेरा लाल, अरे मेरी भी कुछ सुनेगा कि मामा के पास ही रहेगा, बहुत बातें बतानी है उसे, मेरा लाल मेरा गुड्डा मेरे कलेजे का टुकड़ा, आ जाएगा मेरा चंदन, अभी आता ही होगा, बस आता ही होगा। दूसरे दिन भी सूरज डूबने तक रामदई अपने खाट पर सिर टिकाए बड़ी तल्लीनता बड़ी तन्मय होकर एक के बाद एक कयास पर कयास लगाती रही लगाती रही लगाती रही। ये है कयास कहानी। अब इस कहानी को जी शुक्रिया भूमिका जी इस कहानी पाठ के लिए। और यह कहानी निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कहानी है, और जिस तरह से उस परिवेश को और उस स्त्री के एक एक कर कई बच्चों के मृत हो जाने की कहानी और उसके दर्द को आपने बयान किया है, वह पाठकों तक वह करुणा पहुंच रही है और एक बेहद मार्मिक कहानी। कुछ कह रही थी भूमिका जी आप? हाँ मैं ये कह रही थी कि ये जो है बहुत सारे, ये आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी कोई भी प्रिय कहानी जो सुनाना चाहें आप सुनाएंगी, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे जिस परिवेश और जिस माहौल और जिस कबीले जिस वर्ग से ये औरत बिलोंग करती है रामदई, ये इस राजनीतिक, चूंकि अभी इलेक्शन का वक्त है, ये बहुत सामयिक पड़ती, इस कारण मैंने इसे भी चुना था। एक ये भी कारण इसके साथ जुड़ा हुआ था, जो साहित्यिक बातें हैं वो तो है ही, लेकिन चूंकि इलेक्शन के माहौल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी अपनी अपनी बदल देते हैं, रोटेट होने लगते हैं, क्योंकि पार्टियां तो कम हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा, और वो इस प्रकार के बहुत सारे लोगों पर, वो रामदई हो, रामदई का पूरा समाज हो, ये पूरा वर्ग हो, इन सारे लोगों को, इन सारे लोगों की जो तकलीफें हैं, क्या वो इन्हें सुनती हैं, क्या वो इन्हें देखते हैं, ऐसा नहीं करती। ये पार्टी, ये जो दल बदलने वाले लोग हैं, इन्हीं के नाम पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लाभ लेते हैं, बहुत सारी बातें इनके नाम पर करते हैं, लेकिन इनकी पीड़ा वो कभी सुनते हैं तो बहुत दूर की बात है, वो वहां कभी पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आज अभी इस प्रोग्राम के इस दौर के लिए सामयिक बात है, क्योंकि इलेक्शन का दौर भी है, यही बात मैं कह रही थी अर्पण जी। जी शुक्रिया। और आप आज जनसुलभ पुस्तकालय के लिए समय निकाली और अपने इस कहानी को हमारे दर्शकों, हमारे मित्रों, हमारे रचनाकार साथियों के साथ के बीच बैठकर इसका पाठ किया, हार्दिक आभार शुक्रिया। और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो इस संवाद को, इस स्तंभ को पसंद कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया भूमिका जी। जी नमस्कार।